अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारे पास 2.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x। अब बेटा दो डेरिवे आपके पास फंक्शंस आ रहे हैं, एक हमारे पास u है और दूसरा हमारे पास v है। सो अब मैं इसको क्या नाम दूंगी, इसको मैं y का नाम दूंगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड 4x। u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज, और हमारे पास क्या आएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट 4x प्लस साइन, यहाँ हमारे पास आएगा सीकेंट 4x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सही, एक्स स्क्वायर एज इट इज और सीकेंट आपके पास, इसका हमारे पास जो डेरिवेट है वो हमारे पास क्या होगा, सीकेंट का डेरिवेट होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, यानी कि यहाँ आ जाएगा सीकेंट 4x इंटू टेन 4x, और एंगल का दोबारा डेरिवेट डी बाय डी एक्स ऑफ 4x प्लस सीकेंट 4x एज इट इज, इसका डेरिवेट आएगा 2x, और 4x का डेरिवेट 4 आएगा जो स्टार्टिंग में चला जाएगा, 4x स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x इंटू टेन 4x प्लस 2x इंटू सीकेंट 4x, ये इसका हमारे पास डेरिवेट आ गया। इसके बाद इसी का एक और पार्ट मैं करती हूँ, जो आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है, आपके पास दिया हुआ है कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक, इसको भी वाई का नाम दूंगी, वाई इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक, तो हमने लेना है डी वाई बाय डी एक्स, तो हमारे पास कॉस का जो डेरिवेट होता है वो होगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और एंगल का दोबारा डेरिवेट, ठीक, प्लस साइन। अब इसका क्या आएगा, आप देखो इसकी पावर पहले है, इसके बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पावर फार्मूला लगेगा 1/2 इंटू साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, और बेस का दोबारा डेरिवेट डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हमारे पास आएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेट आएगा आपके पास 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस साइन 1/2, इसका आपके पास आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का हमारे पास डेरिवेट होता है कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेट हमारे पास 1 होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे प्लस साइन कॉस एक्स ओवर 2 अंडर रूट साइन एक्स, ये बेटा इसका डेरिवेट आ गया।